आवाज आ रही है आपको? जी, हाँ जी, तैयार आ रही है। कैसी हैं आप? ठीक हैं ठीक सर, आप कैसे हैं? जी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह की दुआएं। सर, आपका रमजान कैसे गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो था, पहले कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, चेस्ट इन्फेक्शन थी, फिर वो टाइफाइड में थोड़ी वो हो गया, अभी ठीक है, असरात चल रहे हैं, उसकी मेडिसिन चल रही है, वैसे अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? जी, सो हेलो जी, आप लोगों के मॉर्निंग इवनिंग की जीआर और सीआरस नहीं, अभी अरीज तो मौजूद है, अरीज जी सर, जी हाँ जी, क्या है आज कुछ प्रेजेंटेशंस हैं? सर, असाइन की हुई है। जी ओके, और मॉर्निंग में भी हैं कुछ? सर, बच्चे बात तो कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन असाइन की हुई है। जुमला थी और इंशा थे, आई थिंक। ओके, सो अंटिल द स्टूडेंट्स ज्वाइन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग। हम लेक्सिकल रिलेशंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को भी कंटिन्यू करते हैं, कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जी। रीच कहाँ तक हमने, कौन कहाँ तक डिस्कस किया था? आई थिंक वी सर हैड डिस्कस्ड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप्स। जी सर, ओके ओके, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स करने हैं। देन स्टार्ट। चलें स्टार्ट करें, कौन करेगा? सर स्टूडेंट्स तो अभी आए ही नहीं है। कोई नहीं, आ जाएंगे वो दिखा रहे हैं, आप करें होमोफोन्स स्टार्ट। एंड होमोनिम्स, व्हेन टू और मोर डिफरेंट रिटन फॉर्म्स हैव द सेम हमने ये अभी प्रोनंसिएशन। डिस्कस करते हैं ना, आप किनकी बात कर रहे हैं अभी? ओके, मैं समझी आप रीडिंग का कह रहे हैं। यस यस, कंटिन्यू। व्हेन टू और मोर डिफरेंट रिटन फॉर्म्स हैव द सेम प्रोनंसिएशन, दे आर डिस्क्राइब्ड एज होमोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल, बेयर एंड बियर, फ्लावर फ्लावर, मीट एंड मीट, पेल, पेयर एंड पेयर, राइट राइट, सो सो एंड सो, टू टू एंड टू, व्हेन एक व्हेन। मिनट, कि ये जो हमारी यहाँ पे सेमनेस नजर आ रही है, ये जस्ट रिटर्न फॉर्म के अंदर है, कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट रिटर्न फॉर्म्स हैव द सेम प्रोनंसिएशन, इट मींस कि इनकी जो राइटिंग है वो भी हमें सेम नजर आ रही है, स्पेलिंग्स भी इनके सेम है और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। ऐसे ही है, स्पेलिंग सेम है? यस सर, नो नहीं सर, तो स्पेलिंग नहीं नहीं सर, नो स्पेलिंग सर, डिफरेंट है बट प्रोनंसिएशन सेम है। जी, स्पेलिंग इनके जो है वो डिफरेंट है। ओके, दीज रिटन फॉर्म्स, ये राइटिंग में डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जो है वो ये सेम है। अक्सर हमने मतलब ये देखे यहाँ पे जो बेयर और BER, इसको आमतौर पे बियर प्रोनाउंस करते रहते थे, लेकिन इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो
प्रोनाउंस है, फ्लाउ एंड फ्लाउ, ये दोनों भी जो है वो एक ही जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। इस तरह से मीट वगैरह वाली भी है, और एंड सो ऑन ऑल दीज वर्ड्स दे हैव द सेम मीनिंग। अब हमारे पास एक और थोड़ी सी जो है वो चेंज आ सकती है एज वी विल जो है वो ऑब्जर्व इन द कमिंग पॉइंट्स, उसमें हम जो है वो देखेंगे कि वो थोड़ा सा जो है वो चेंज है, और वो क्या है कि वी यूज द टर्म होमोनिम्स व्हेन वन फॉर्म, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, इट हैज टू और मोर अनरिलेटेड मीनिंग एज होमोफोन्स हैं। अगर से इनके स्पेलिंग डिफरेंट हैं बट दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे हम मीनिंग की बात जब वो मीनिंग इनके डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे होमोफोन्स में। अब जितने भी हम से डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। वर्ड्स कैन बी द सेम, ग्राफिक सिस्टम और द स्पेलिंग्स कैन बी द सेम, दे कैन बी रिटन इन द सेम वे, दे कैन बी प्रनाउंस्ड और स्पोकन इन द सेम वे, बट सो फार एज द मीनिंग्स आर कंसर्न देवेंट, चाहे मीनिंग से रिलेटेड हो चाहे मीनिंग से अनरिलेटेड हो, वो मीनिंग हम दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। तो मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं, ये कलादा से फिनोमिना है। सेपरेट मीनिंग्स, तो प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, उनकी स्पेलिंग सेम हो सकते हैं, बट मीनिंग्स दे विल रिमेन द डिफरेंट। यस रीच, आर यू लिसनिंग मी? पूछो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, अच्छा, आपको सर आपको रीच को नहीं शायद आ रही है आवाज। ओके, तो होमोफोन्स में हम ऐसे जब वर्ड्स के साथ डील करते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन वो सेम होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। और होमोनिम्स में हमारे पास जो है वो ऐसे जो है वो फॉर्म होती है। अब दोनों के अंदर एक और डिफरेंस आपने नोट किया, कौन है जो दोनों में एक और डिफरेंस बताएगा? होमोफोन्स में और होमोनिम्स में एक और डिफरेंस है। सर, होमोफोन्स में वर्ड्स दो हैं और होमोनिम्स में वर्ड एक ही है, और उसमें मीनिंग की दैट्स बात नहीं हो रही, इसमें मीनिंग की बात हो रही। जी बिल्कुल, कि जो हमारे होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स में हमारे पास जो है वो टू या थ्री वर्ड्स भी हो सकते हैं, टू या हमारे पास जो है वो मोर देन टू वर्ड्स हैं, यानी उनकी जो फॉर्म्स हैं वर्ड्स की जो है वो दो से ज्यादा हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबकी एक जैसी ही है। और अगर हम होमोनिम्स में जो है वो देखें, तो होमोनिम्स के अंदर जो है वो हमारे पास है के अंदर, लेकिन उस वन फॉर्म के अंदर जो सेंसेस होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं, वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और वो दो या दो से ज्यादा जो मीनिंग्स होते हैं वो आपस में रिलेट नहीं करते, वो अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं, कि वर्ड जो है वो उसके सेम हो सकती हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वो सेम नहीं होंगे, अनरिलेटेड होंगे जी। जैसे ओके, सो द एग्जांपल्स आर वेरी कॉमन एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, जैसे बैट है, ऑफ कोर्स ये एक क्रिचर की तरफ रिफर करता है, और दूसरी तरफ बैट है दैट इज यूज्ड बाय द बैट्समैन इन द गेम ऑफ क्रिकेट में आप यूज करते हैं इसी, और जो आमतौर पे हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, और इसी तरह से मोल मार्क्स भी होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, ये शनाख्ती अलामत भी होती है बहुत सारे लोगों का। इसी तरह से मोल दैट इज आल्सो द नेम ऑफ नेचर है, और जो बैट क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, उनके दरमियान हमें कोई रिलेटेडनेस मीनिंग की नज़र जो है वो नहीं आती, सिवाय इसके कि ये लिखने में भी एक जैसे हैं और पढ़ने में भी सभी एक ही है, और इन सर, हेलो जी आपकी साउंड ब्रेक हो रही है बार बार। जी क्या कहा जी? हु सैड एंड व्हाट? सर, आपकी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है, जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं वो साथ ही गुम हो जाती है।
मुझे जहां तक सुनाई दिया कि जब भी मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो बस तो उसके सर बाद मुझे आपकी उसका वॉइस जो है ना वो गुम हो जाती है, आवाज गुम हो बट जाती है। यस जब सेंटेंस का एंड होता है तो फिर दोबारा से आती है। ये सबके साथ यही है या फिर यस सर ऐसा ही हो रहा है। ओके फ्रॉम वेयर शुड स्टार्ट, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। सर होमोफोन्स और होमोनिम्स में एक बार फिर क्लियर कर दें, कंफ्यूजन हो रही है। हेलो एम आई नॉट ऑडिबल? यस सर वी आर ऑल इयर्स। वो कुछ कुछ पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे, मुझे तो बिल्कुल कुछ आपकी आवाज, आवाज। सर वो बोल रहे हैं कि होमोफोन्स और होमोनिम्स में जो एक मैं दो पूछ रहा हूँ पर्टिकुलर खिलाड़ी। हाँ क्लियर कर दें। जी जी सर आ रही है। ओके अब ये जब हम होमोफोन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रिटर्न फॉर्म्स हैं वो एक ज्यादा है, दो भी हो देख सकती हैं, जितने भी पेयर्स हैं वो दो हैं या दो से ज्यादा वाले मौजूद हैं। लेकिन जो होमोनिम्स है, होमोनिम्स के अंदर हमारे पास जो फॉर्म है वो एक है, वो एक ही फॉर्म हमें नजर आती है रिटन और स्पोकन। यानी अगर आप लिखेंगे बैट, BAT, बैट, और दूसरा बैट आप लिखेंगे तो वो बोलने में एक है लेकिन लिखने में दो या दो से ज्यादा है। BRE बेयर और BER बेयर बोलने में एक है लेकिन लिखने, TWO लिखने में तीन है बोलने में एक है। एक तो ये डिफरेंस उसके अंदर हमें जो वो नजर आता है। ओके सर आपकी वॉइस ज्यादा कट रही है, पता नहीं सिर्फ मेरे यहाँ के बाकी स्टूडेंट्स के यहाँ भी ऐसा ही है। ओके ऐसा है कि मैं ना रीज ज्वाइन करता हूं बच्चों, मैं आके लेट मी रीज्वाइन आफ्टर लीविंग द क्लास, परहैप्स इससे कुछ सूरत हाल को बेहतर हो जाए तो। ओके सर। ओके यस आई हैव रिजॉइंड, इज द सिचुएशन सेम और एनी इम्प्रूवमेंट? सर अब सही आ रही है आवाज। ओके चलें, थैंक गॉड। अब मैं क्या करूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं? हेलो जी सर सर होमोफोन्स और होमोनिम्स में अब ओके मैं उसका दोबारा से फिर डिफरेंस बताऊं। ओके तो होमोफोन्स का और जी होमोनिम्स सर को अगर हम देखें जी तो जो आपके, हाँ जी, जो हमारे होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट रिटन फॉर्म्स होती हैं। रिटन फॉर्म्स में डिफरेंस होता है, स्पोकन में डिफरेंस नहीं होता। जो होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स में ना रिटन में जो है वो आपको डिफरेंस नजर आएगा और ना स्पोकन में डिफरेंस नजर आएगा। वो रिटन भी सेम अलाइक और स्पोकन भी अलाइक। अब जो रिटन फॉर्म के अंदर हमें, हमारे पास होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स की जो रिटन फॉर्म्स हैं वो दो सेपरेट हैं, दो या दो से ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, आप इसको पहले को देखें तो उसके अंदर दो रिटन फॉर्म हैं जो कि राइटिंग में डिफरेंट हैं, स्पेलिंग डिफरेंट हैं लेकिन स्पोकन उनकी सेम है। लास्ट इसी ग्रुप में देखें तो उसमें तीन है, तो रिटन में तीन डिफरेंट हैं लेकिन स्पोकन में वन है। ओके अब जो हमारे पास होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स में बजाहिर एक फॉर्म है, लिखने में भी वैसा ही वर्ड है, बोलने में भी वैसा ही वर्ड है, और बट इट गिव्स मोर देन वन मीनिंग।
तो ये एक से ज्यादा मीनिंग जो है वो दे सकता है, टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, लेकिन इन मीनिंग्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, रिलेटेडनेस नहीं होती, कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, कोई कंपेटिबिलिटी नहीं होती, ये किसी भी पॉइंट पे जो मीनिंग्स होते हैं वो आपस में रिलेट नहीं करते। तो जो होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स में फॉर्म एक है रिटन और स्पोकन, लेकिन इट यील्ड्स और इट गिव्स मोर देन वन सेंसेस, और उन सेंसेस में कोई रिलेटेडनेस नहीं होती, अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड इट विल बी वेरी much clear to you that if we talk about the bat, that is the creature, and if we talk about the bat, that is used by the batsman in the game of cricket, so they are pronounced alike bat, they are written alike bat bat, but so far as the meanings are concerned, their meanings are not related in any way at all. तो इनके मीनिंग्स में कोई रिलेटेडनेस नहीं है। यू कैन नॉट हैव एनीथिंग टू डू जो है वो कॉमन विद द बैट जो कि क्रीचर है एंड विद द बैट यूज बाय द बैट्समैन इन क्रिकेट। तो इनमें कोई रिलेटेडनेस हमें नजर नहीं आती। यहां तक बात क्लियर है? अब आवाज आ रही थी सही या नहीं? ओके, तो सो नो नीड टू डिस्कस ऑल दीज वेरी एग्जाम्पल्स। आगे एग्जाम्पल्स आप जो है वो देख सकते हैं, चीज उनके अंदर भी वही है, मोल एंड मोल, प्रोनंसिएशन सेम है, रिटन भी सेम है, टू डिफरेंट मीनिंग्स और उन मीनिंग्स में कोई रिलेटेडनेस नहीं है। पेन है और पेन है, सो रिटन सेम, प्रोनाउंस्ड सेम, बट मीनिंग्स डिफरेंट और मीनिंग्स में कोई रिलेटेडनेस नहीं है। लिखने वाला पेन आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसी तरह से आपका जो है वो एक पेन होता है, एनक्लोज्ड स्पेस होती है जिसको आप मतलब जो है वो कोई एक जगह है जिसको आप अहाता जिसके गिरदा पे कर लेते हैं, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से आपका एक रेस है, रेस है, रेस है आप जिसमें आप दौड़ते हैं, जो आपका मुकाबला होता है भागने का वो भी रेस है, और एक रेस होती है जो कि हमारी एथनिसिटी के अंदर एक एलिमेंट है, एथनिक ग्रुप होता है, इनमें कोई चीज भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे अनरिलेटेड जो वो मीनिंग होते हैं। द टेम्पटेशन इज टू थिंक दैट द टू टाइप्स ऑफ बैट मस्ट बी रिलेटेड इन मीनिंग, दे आर नॉट। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सेपरेट हिस्ट्रीज एंड मीनिंग्स बट हैव एक्सीडेंटली कम टू हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म। तो जो हमारे होमोनिम्स हैं उनके दरमियान मीनिंग्स में कोई रिलेटेडनेस नहीं होता, बस वो इत्तफाकन उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी रिटन फॉर्म सेम हो गई। तो ये जस्ट को इंसिडेंट्स है कि जो हमारे होमोनिम्स होते हैं दे आर रिटन अलाइक, they are spoken alike, they have different meanings and their meanings are not related in any way. तो जो इनकी आपस में resemblance है form की और pronunciation की, ये just coincidence है। तो ये चीज हमें tempt करती है कि बैट बोलने में भी ऐसा है, लिखने में भी ऐसा है, और तो दोनों जो बैट्स हैं इनमें कोई ना कोई जो है वो relationship होगा। Not at all, तो इनके meanings में कोई relationship नहीं है। Is it clear? उसके बाद पॉलीसेमी है, पॉलीसेमी के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलें जरा। सर इसमें एक वर्ड के जो है पॉसिबल मीनिंग ज्यादा होते हैं, कैपेसिटी फॉर वर्ड और फ्रेज टू हैव मल्टीपल मीनिंग। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? एक ही वर्ड का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। अब इसके अंदर भी टू फॉर्म्स होती हैं, इसकी फॉर्म एक नहीं होती, मतलब फॉर्म मतलब टू होती हैं, टू और मोर जो है वो वर्ड्स होते हैं, टू और मोर फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट सेंसेस होते हैं। डिफरेंस क्या है होमोनिमी और पॉलीसिमी में, कि होमोनिमी में देखा के जो हमारे पास वर्ड की फॉर्म्स मौजूद हैं उनके डिफरेंट सेंसेस हैं, डिफरेंट मीनिंग हैं, और उन मीनिंग का आपस में कोई रिलेटेडनेस नहीं है, लेकिन पॉलीसिमी के अंदर डिफरेंट सेंसेस में रिलेशन होता है, यानी रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। होमोनिमी में अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं और जो पॉलीसेमी है उसमें रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन होमोनिमी एंड पॉलीसिमी। पॉलीसिमी रिलेटेड मीनिंग्स एंड होमोनिमी अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। So when we encounter two or more words, two or more words, एक लेकिन meanings उनके different हैं और वो meanings आपस में related जरूर हैं। So that is known as a polysemy.
इट कैन बी डिफाइंड वन फॉर्म फॉर्म वर्ड्स कैन बी डिफरेंट फॉर्म कैन बी सेम वर्ड्स विल बी डिफरेंट फॉर्म कैन बी सेम ओके फॉर एग्जाम्पल हेड अब हेड डिफरेंट सेंसेस में यूज करेंगे हर में जो है वो वर्ड डिफरेंट होगा हर डिफरेंट होगा क्योंकि उसके मीनिंग डिफरेंट है रिलेटेड जरूर है मीनिंग लेकिन मीनिंग डिफरेंट है मीनिंग डिफरेंट है अगर आप एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ रिफर कर रहे हैं तो वहां पे यू आर नॉट रिफरिंग टू द हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगर अगरचे रिलेटेड जरूर है लेकिन वो मीनिंग डिफरेंट जो है वो देता है तो इस वजह से फॉर्म हमें एक नजर आती है वर्ड्स डिफरेंट होते हैं इसी वजह से एट द वेरी बिगिनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर वर्ड्स तो वर्ड्स हमेशा डिफरेंट ही रहेगा उसका फॉर्म एक हो सकता है बोलने में वो एक हो सकता है वो लिखने में एक हो सकता है उसको हम कहेंगे कि फॉर्म अगर वो उस तरह से है लिखने में एक जैसा है तो वो फॉर्म सेम है वर्ड डिफरेंट है फॉर्म सेम है meaning differently in another way form that can be written or that can be spoken having multiple meanings and they are all related by extension examples are the word used to organ hai uski taraf refer karta hai fourth on top of a glass of beer ye glass of beer hai hamara to uska jo hai wo jo ek top hai usko hum head jo hai wo kehte hain person at the top of the company or department or school or any other institution jaise hamare head hote hain department ke head hote hain fir uske baad jo hai wo campus ka head hai uske baad jo hai wo university ka head hai is tarah se hamare jo hai wo head ho sakte hain इसी तरह से आप अब ये सारे देखें हैं डिफरेंट मीनिंग्स लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है रिलेटेड किस तरह से है कि ये सारे के सारे जो है ना वो हाई स्टेटस को शो करते हैं ह्यूमन हेड टॉप पे होता है इसी तरह से आपका जो ग्लास उसका ले लें किसी कंपनी का हेड ले लें स्कूल का हेड ले लें डिपार्टमेंट का हेड ले लें एंड सो ऑन ये सारे के सारे प्राप्त हैं इस वजह से इसी तरह से अगर अदर जो है वो एग्जांपल है तो अदर एग्जांपल आप जो है वो उसको खुद जो है वो आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई यहाँ पे एग्जांपल आपकी मौजूद है हेड का फोटो या एक माउंटेन का जो है वो फोटो होता है तो ये डिफरेंट है मीनिंग्स में लेकिन उनके अंदर जो है वो आपकी एक सेंस जो है वो रिलेटेड है और वो हमेशा जो है वो आपके बॉटम की तरफ जो है वो रिफर करते हैं इसी तरह से यहाँ पे आप एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं रन की एग्जाम्पल है अब रन करने को अंदर अगर आप जो है वो देखें फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं रन अ रेस ओके अब रन अ रेस अब रन अ रेस होता है पांव पे दौड़ना इसी तरह से आप कहते हैं रन फॉर ऑफिस ये भी जो है वो इन सब के अंदर एक चीज जो है वो आपको कॉमन नजर आएगी और वो है टू मूव क्विकली आप कहते हैं रन अ रेस ये भी मूव क्विकली रन फॉर ऑफिस फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये भी टू मूव क्विकली इसी तरह से आप कहते हैं द वॉटर इज रनिंग डाउन द रूफ ओके छत से पानी बह रहा है ये भी है टू मूव क्विकली इसी तरह से आप कहते हैं टू रन अ कंप्यूटर प्रोग्राम ओके आप कहते हैं क्या करते हैं कहते हैं ट्राइंग टू रन अ कंप्यूटर प्रोग्राम तो उसमें भी आप क्या करते हैं टू रन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यू ट्राई टू मूव जो है वो और अप्लाई अ कंप्यूटर प्रोग्राम क्विकली तो इन सब के अंदर एक रिलेटेड मीनिंग और वो है टू मूव क्विकली चाहे एक पर्सन का जो है वो रन करना हो चाहे पानी का रन करना हो चाहे कंप्यूटर प्रोग्राम का रन करना हो चाहे जो है वो आपके कलर्स भी रन करते हैं ओके कलर्स रन किस तरह से करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जल्दी से कैनवस पे जो है वो आप एक ड्रॉ कर रहे हैं किसी चीज की जो है वो पिक्चर तो आप इनफैक्ट क्या कर रहे हैं यू आर रनिंग द कलर्स तो आपके कलर्स भी रन करते हैं तो इट मीन्स दे मूव क्विकली इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ पिक्चर तो सो इनके अंदर जो वो ये रिलेटेड जो वो मीनिंग्स हैं जिसको हम पॉलीसिम कहते हैं यस एम आई क्लियर यस सर यस सर नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करें कोई If we are not sure whether different uses of single word are example of homonymy or polysemy, we can check in a dictionary if the word has multiple meaning that is it is a polysemous there will be a single entry with a numbered list of the different meanings if two words are homonyms they will have two separate entries
In most dictionaries, bat, male, mole, and soul are treated as homonyms, whereas face, foot, get, head, and run are treated as example of polysemy. अभी आपको सिंपल सा एक आपको क्लू दिया गया है, एक हिंट दिया गया है, एक टेक्निक दी गई है कि इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि क्या ये जो वर्ड्स हैं आपस में होमोनिम्स हैं या पॉलीसेमस हैं, तो उसके लिए डिक्शनरी हमारी क्या हेल्प कर सकती है कि जो हमारे पॉलीसेमस वर्ड होंगे वो उनकी एक एंट्री होगी, उनका हेडवर्ड एक होगा और वो एक ही हेडवर्ड के तहत एंटर किए जाएंगे, नंबरिंग हो जाएगी कि ये है, और जो आपके होमोनिम्स होंगे दे विल हैव डिफरेंट एंट्रीज इन डिक्शनरीज। तो अगर सेपरेट एंट्रीज होंगी जब वो उसी फॉर्म की तो हम कहेंगे कि ये होमोनिम्स हैं, और अगर सेम एंट्री के तहत उनको डिस्कस किया जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉलीसेमीज हैं। हाँ जी ऐसा ही आ रही है। Yes, sir. Okay. Of course, it is possible for two forms to be distinguished via homonymy, and for one of the forms also have various use via polysemy. The words date, a thing we can eat, and date, a point in time, are homonyms. However, the point in time अब kind of यहां date. तक देख ले। ओके इसमें मतलब सिंपल ये थोड़ी सी और फर्दर इलेबोरेशन है, ठीक है, इसी पॉइंट का थोड़ा सा और टेक्निकल जो है वो उसका एनालिसिस है, तो याद करने में आप चीजों को कर सकते हैं, शॉर्टन कर सकते हैं। तो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि दो फॉर्म्स, टू फॉर्म्स, उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वाया होमोनिमी। दो फॉर्म्स हैं, दोनों को आपने होमोनिमी के तहत जो है वो डिस्टिंग्विश किया, फिर उन दोनों में से एक फॉर्म को, फिर उन दोनों में से आप एक फॉर्म को पॉलीसोमी के तौर पे डील कर सकते हैं कि टू होमोनिम्स हैं और फिर एक जो उनमें से जो है वो फॉर्म है उसको आप पॉलीसिमी के अंदर जो है वो डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वर्ड्स हमारे पास हैं या एग्जाम्पल है, एक है, अब ये दोनों होमोनिम्स हैं क्योंकि ये सेम जो है वो प्रनाउंस हो रहे हैं लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट हैं और मीनिंग्स अनरिलेटेड हैं, कोई इनके रिलेटेड मीनिंग्स नहीं है, तो होमो पॉइंट इन टाइम कह दिया जो टाइम की तरफ रिफर करता है। इस ये जो वर्ड डेट है जिसका मतलब है पॉइंट इन टाइम, ये जो काइंड ऑफ डेट है इस पॉलीसेमस, अब ये पॉलीसेमस हो सकता है कि इसको आप डिफरेंट सेंसेस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक लेटर वगैरह पे लिखते हैं डेट, जब हम कहते हैं कि व्हाट इज द डेट, तो आप का मतलब दो चीजें होती हैं, डेट मीन्स डे, आज दिन क्या है, और साथ जो है वो महीना भी आप लिखते हैं तब डेट होती है। ओके आप कहते हैं डेट मेंशन करें तो आप जो है वो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 21 अप्रैल 2021। ओके अब आप का ये जो है वो एक तो ये हो सकता है, दूसरा आप जो है वो हो सकता है एक जो मीटिंग होती है, ओके जो है वो आपने कोई बिजनेस मीटिंग जो है वो थी आपके सीनियर्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, और आपसे पूछा जाता है हाउ वाज द डेट, इट मींस के हाउ वाज योर मीटिंग। और फिर इसी तरह से हम डेट को जो है वो जो कि एक हमारे यहाँ मतलब एक जो टैबू वर्ड के तौर पे भी जो है वो यूज होता है डेट पे, उस पर करना कि टू हैव अ मीटिंग जो है वो विद समवन दैट इज दैट कैन बी The lover or the beloved and so on, तो ये भी हो सकती है। तो इस तरह से हम वर्ड डेट को पॉलीसेमी सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने पहले हमने डेट को क्या किया कि होमोनिम्स है, एक डेट है जो कि एक जो है वो एडिबल थिंग है, खाने वाली है, और दूसरा पॉइंट इन टाइम है। अब इनमें से एक को हमने लेके उसको पॉलीसेमी के तौर पर जो है वो लिया कि ये डेट ये भी मीनिंग देता है, ये भी मीनिंग देता है, ये भी मीनिंग देता है। अब ये रिलेटेड मीनिंग्स है, ये रिलेटेड मीनिंग्स है। आप लेटर के ऊपर जो है वो लिखते हैं डेट वो, जो आप की जो है वो एक बिजनेस मीटिंग थी डेट वो, या आपकी एक पर्सनल जो है वो मीटिंग थी डेट, इन सब का ताल्लुक टाइम के साथ है। ये सारे के सारे दे रिफर टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इस वजह से ये रिलेटेड है, अदरवाइज तो ये स्पेसिफिक मीनिंग डिफरेंट दे रहे हैं और वो दे रहे हैं। इज इट क्लियर, इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके अब नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट पे आ जाए, वर्ड प्ले पे देख लें। आप वर्ड प्ले आप लिटरेचर वगैरह भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है लिटरेचर, और तो उसमें वर्ड प्ले वगैरह आपने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों के जहन में होंगे। प्ले क्या होता है कि जब हम
जिसको पन भी कहते हैं, टू प्ले अपॉन वर्ड्स है, वो सेंसेस में ट्रिकी वे में आप जो है वो यूज करते हैं, ट्रिकी वे में आप यूज करते हैं कि आप लिख कुछ है और उसका मीनिंग, कोई पोइम्स पढ़ी हैं, जॉन डन की एक पोइम है जिसके अंदर करता है और उसको यूज करता है दो मीनिंग में, एक तो SUN सन सूरज, और एक SON सन के क्रिश्चियंस व्हाट दे बिलीव। अब वो SUN सन को दो मानों में यूज करता है, ठीक है, SON सन के मानों में भी करता है और SUN सन, तो वो कहता है कि जिस तरह से सूरज तुलू होता है और वो जो है वो डार्कनेस को खत्म कर देता है, इसी तरह से जो सन ऑफ गॉड है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने सूरज की तरह से जो है वो दुनिया से डार्कनेस को खत्म किया, जहालत के अंधेरों को खत्म किया, तो ये प्ले ऑन जो है वो वर्ड्स होता है। इसी तरह से वो अपने नाम को भी दो सेंसेस में यूज करता है, जॉन डन, एक तो उसका अपना नाम है ना जॉन डन, और एक है डू डिड डन, डू डिड डन, वो भी डन है। ओके, अब वो जो है ना वो फिर एक और पॉइंट के अंदर वो जो है वो कई बातें करता है, और वो कहता है जो है वो खुदा से मुखातिब होके कहता है, और कहता है कि अगर ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, तो आपने डन को डन लिया, इट मींस के डन कैपिटल के साथ जो है वो अपना एज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब डू के तौर पे यूज करते हैं। इस तरह से जो होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ड प्ले। जी अरीज करें। वर्ड प्ले दीज लास्ट थ्री लेक्सिकल रिलेशंस आर द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड प्ले यूजली फॉर ह्यूमरस इफेक्ट इन द नर्सरी राइम मैरी हैड अ लिटल लैम वी थिंक ऑफ अ स्मॉल एनिमल बट इन द कॉमिक वर्जन मैरी हैड अ लिटल लैम सम राइस एंड वेजिटेबल्स वी थिंक ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मीट देखिए द अब यहाँ पॉलीसीमियम पे, एक मिनट, देखिए अब यहाँ पे है कि मैरी हैड अ लिटल लैम। अब जो ये जो नर्सरी की पोएम बच्चे जब पढ़ते भी हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिटल है, इट रिफर्स टू लैम्ब एंड लैम्ब रिफर्स टू एन एनिमल, लिटल लैम्ब, उसके पास छोटा सा जो है वो लैम्ब था। ओके, अब ये साइज ऑफ एनिमल की तरफ रिफर करता है, और अगर हम इसी लिटल को जो है वो यूज करें, मैरी हैड अ लिटल लैम्ब सम राइस एंड वेजिटेबल, अब यहाँ पे इसके मीनिंग चेंज हो गए। यहाँ पे मीनिंग चेंज क्या हो गए कि यहाँ पे लिटल क्वांटिटी की तरफ आ गया, अमाउंट की तरफ आ गया, और लैम मीट की तरफ आ गया, क्वांटिटी की तरफ नहीं करता, एनिमल और उसके साइज की तरफ करता है कि छोटा सा जो है वो लैम। यहाँ पे मीट ऑफ लैम की तरफ जो है वो करती है, ये भी क्वांटिटी की तरफ है, एंड सम वेजिटेबल ये भी क्वांटिटी की तरफ है। तो इस तरह से ये वर्ड प्ले है कि आप लिटिल लैम को एक कॉन्टेक्स्ट में और तरह से जो है वो मीनिंग में ले रहे हैं, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप और तरह से ले रहे हैं। The polysemy of lamb allows the two interpretations. जी यस It is recognizing. It is recognizing the polysemy of यस leg यस and foot in the riddle. What has four legs but only one foot? That leads to a solution, a bed. जी, तो यानी यूं कह लें कि जो हम रिडल्स करते हैं ना, रिडल्स, तो वो रिडल्स के अंदर भी जो है वो यही होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें कोई ये पूछे कि लेग लेग एंड फुट की रिडल है कि व्हाट हैज फोर लेग्स, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी चार लेग्स हैं लेकिन एक फुट है, चार लेग्स हैं लेकिन एक फुट है, जितनी लेग्स होंगी उतने फुट होने चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी है कि बेड यूज किया है, उसे एक वैली का फुट होता है, बेड का फुट होता है, इंसान का भी फुट होता है, ये सारे के सारे चूंकि बॉटम को शो करते हैं, ये इस वजह से रिलेटेड है, अदरवाइज अपने ये सेंसेस जो है वो डिफरेंट देते हैं, मीनिंग डिफरेंट देते हैं। तो एक बेड होता है जिसकी फोर लेग्स होती हैं लेकिन फुट उसका एक ही होता है। जी We can make sense of another riddle. Why are trees often mistaken for dogs? By recognizing the harmony in homonymy in the answer because of their bark. जी अब हम कहते हैं जी कि व्हाट व्हाई आर ट्रीज ऑफन मिस्टेकन फॉर डॉग्स। ओके, कि रिडल ये है कि दरख्तों को जो है वो
डॉग्स क्यों समझा जाता है, मतलब व्हाट इज कॉमन बिटवीन डॉग्स एंड ट्रीज, वैसे तो कॉमन नहीं है एक चीज, क्या चीज है, हम कहते हैं कि इनकी छाल होती है, दरख्तों की छाल होती है ना, व्हाट इज कॉल्ड बार्क, BARK, बार्क, इट ऑल्सो मीन्स द स्किन ऑफ द ट्री, दरख्त की जो स्किन होती है, छाल होती है, वो भी बार्क होता है, और दूसरी तरफ जो है वो द एक्शन ऑफ बार्किंग द डॉग्स, डॉग्स जो है वो बार्क करते हैं, तो चूंकि वो बार्क करती हैं इनकी बार्क होती है, गॉट इट, वो वर्ब है या नाउन है, तो ये एक रिडल है, तो दैट इज ऑल्सो, ये भी वर्ड प्ले होता है, ये वर्ड प्ले है कि दोनों के दरमियान कॉमन चीज क्या है, दे बार्क, दे हैव बार्क, सो दैट रिलेट्स, अगर से वैसे रिलेट नहीं करता तो इन सच टाइप ऑफ जो है वो हम वर्ड प्ले इस तरह से करते हैं जी। Because of sorry, Shakespeare used homophones son son for word play in the first lines of the play Richard III. Now is the winter of our discontent made glorious summer by his son by this son of York. देखिए बाय दिस सन ऑफ योर, जैसे अभी मैंने कहा ना जो डन डन की मैं एग्जांपल दी थी, ये वही है, अब वैसे तो सन ऑफ यॉर्क है, मतलब के अब सूरज जो थ्रू हो रहा है तो हम कहते हैं कि जो है वो ये न्यूयॉर्क सिटी में जो सूरज थ्रू हो रहा है ये सन यॉर्क है, और इसी तरह से एक शहर का जो है सर वो हीरो, आपकी तो वॉइस ये बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब भी सबके लिए ब्रेक हो रही है या जुमला के लिए ब्रेक हो रही है? सर हो रही है ब्रेक, सर इधर भी ब्रेक हो रही है, इधर भी ब्रेक हो रही है। अच्छा जी इधर भी ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, राइट आई है। अब व्हाट शुड आई डू, शुड आई ज्वाइन अगेन, व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट? सर उससे कुछ जो भी नहीं लास्ट हुआ था, लेक्चर्स हुए थे हो रही है हमारे, ब्रेक। यस सर जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हुए थे उनके अंदर भी आपकी वॉइस बहुत ओके ज्यादा ब्रेक लेट हो रही मी है। लीव एंड ज्वाइन अगेन, वो तो बता देना था आपने, बताया नहीं मैडम मुझे उसी वक्त। ओके मैं मुझे दोबारा लगा शायद मेरी तरफ ही ब्रेक। मुसीबत क्या है नेट को, यस एम आई ऑडिबल नाउ, एम आई ऑडिबल नाउ स्टूडेंट्स? यस सर Students, are you listening me? यस सर यस सर यस सर वो कोई बता तो मैं तो चीखे जा रहा हूँ। How cool जी people you सर are! सर हम बोल रहे हैं बोल रहे हैं सर New people have made me cry and not responding at all, whether you are listening here or not. सही हो गया जी, अब बताएं मुझे मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां तक बात को क्लियर थी, आपको कोई समझ आई है?